नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं एक धमाकेदार ट्रिक के साथ। आज का टॉपिक है भ्रंश घाटी में बहने वाली भारतीय नदियों को ट्रिक से याद करेंगे। तो पहले जान लेते हैं भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धस जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियाँ लंबी, संकरी व गहरी होती है। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों को ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक है माही दामोदर के साथ तफ करने रिफ्ट घाटी होते हुए नर्मदा जाएंगे। यहाँ पे याद रख सकते हैं माही और दामोदर एक दोस्त है और दोनों तप करने के लिए रिफ्ट घाटी होते हुए कहाँ जाएंगे, नर्मदा जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक को विस्तार से जानते हैं। माही यानी कि माही नदी, दामोदर से दामोदर नदी, के साथ का कोई मतलब नहीं है, तप से ताप्ती नदी, करने का कोई मतलब नहीं है, रिफ्ट घाटी यानी कि जितनी भी यहाँ नदियाँ इंडिकेट किया गया है सभी का सभी क्या कहाँ बहती है, रिफ्ट घाटी में यानी कि भ्रंश घाटी में, होते हुए का कोई मतलब नहीं है, नर्मदा नदी, नर्मदा से नर्मदा नदी जाएंगे का कोई मतलब नहीं है। माही नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी और नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है यानी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।